रॉक राइडर ST 120 बिटवीन की न्यूली लॉन्च्ड माउंटेन बाइक। अभी हाल ही में बिटवीन ने कुछ बाइक्स को इंडिया में लॉन्च किया है। इनमें से रॉक राइडर ST 120 बिटवीन की मिड रेंज प्राइसिंग में MTB बाइक है। रॉक राइडर सीरीज में हमने इसके पहले रॉक राइडर ST 520, ST 100, ST 50 और ST 20 को रिव्यू किया है। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्या है ST 120 में खास फीचर्स और क्या आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए, आइए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके साइकिलिंग रिलेटेड अपडेट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के फ्रेम के बारे में। फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST 120 का फ्रेम बना है 100% एल्युमिनियम का। फ्रेम की CGF यानी कंफर्ट फ्रेम ज्योमेट्री बनाती है इस फ्रेम को लाइट और कंफर्टेबल। बिटवीन के इस CGF फ्रेम की स्ट्रेंथ अच्छी है और ये ऑफ रोड्स या बम्पी रोड्स के वाइब्रेशंस पर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसके टॉप ट्यूब में अच्छा खासा स्लोप है विच मेक्स इट सुटेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल राइडर्स। इस स्लोप की वजह से मिलती है राइडर को स्ट्रेटनिंग पोजीशन और टर्निंग काफी स्मूथ हो जाती है। फ्रेम के ऊपर रॉक राइडर और ST 120 के ग्राफिक्स हैं। ये फ्रेम आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ड्राइव ट्रेन और डिरेलर के बारे में। रॉक राइडर ST 120 में मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट RD M46L के 9-speed रेयर डिरेलर जो आते हैं माइक्रोशिफ्ट के ही H0929 कॉग कैसेट के साथ, जिनमें 11 से लेकर 36 तक की टीथ रेंज मिल जाएगी। आगे मिलती है सिंगल चेन रिंग जो आती है 32 टीथ में, यानी ये बाइक आती है 1:9 टोटल 9-speed ऑप्शंस के साथ। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस बाइक में स्पीड ऑप्शंस कम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। 11 से लेकर 36 टीथ की जो रेंज है इट कवर्स ऑल स्पीड्स। 36 टीथ गियर पर आप बड़ी आसानी से क्लाइंब कर सकते हैं और 11 टीथ गियर पर स्पीड राइड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्रंट में सिंगल चेन रिंग होने से फ्रंट गियर शिफ्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और गियर्स को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ रेयर गियर शिफ्टर को ही ऑपरेट करना होता है, जिससे गियर ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, खासतौर पर बिगिनर साइक्लिस्ट के लिए। साथ ही इन पार्ट्स के नहीं होने से बाइक का ओवरऑल वेट भी कम हो जाता है। इसी तरह के अरेंजमेंट आपको रोड बाइक्स या हाई एंड बाइक्स में भी मिलते हैं। हैंडल बार पर मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट SL 759 के राइट शिफ्टर्स टू ऑपरेट रेयर गियर्स। फ्रेंड्स, इस बाइक के गियर कंपोनेंट से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। इस बजट रेंज में अगर इस बाइक में श्रैम के डिरेलर्स और शिफ्टर्स होते तो ये डील ज़्यादा अच्छी हो जाती। हालांकि माइक्रोशिफ्ट के गियर्स भी अच्छे हैं, बट श्रैम की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। सस्पेंशन, रॉक राइडर ST 120 में फ्रंट में मिलता है स्प्रिंग सस्पेंशन जो 80 mm तक ट्रेवल कर सकता है। 80 mm सस्पेंशन अनइवन ट्रेल्स या ऑफ रोड्स पर काफ़ी इफेक्टिव है। ये सस्पेंशन मिलता है वेट एडजस्टर व्हील के साथ, जिसकी रेंज है 55 किलो से लेकर 105 किलो तक। आप अपने वेट को इस व्हील पर एडजस्ट कर दीजिए। ये वेट एडजस्टर यूफिट टेक्नोलॉजी की मदद से राइडर के वेट के हिसाब से हार्डनेस को एडजस्ट कर देगा, जिससे आपको अनइवन सरफेसेस या ऑब्स्टेकल्स पर राइडिंग करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बाइक हार्ड टेल में मिलती है जिससे साइकिल का ओवरऑल वेट भी कम रहता है। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST 120 में टेक्ट्रो TKD 68 या हेयस MX5 के 160 mm के डबल डिस्क ब्रेक्स हैं। इनकी ब्रेकिंग काफ़ी पावरफुल होती है। इन डिस्क ब्रेक्स को ऑपरेट करने के लिए हैंडल बार पर मिलते हैं ट्रैक्टर के ही एल्युमिनियम ब्रेक लीवर्स जो काफ़ी हल्के, प्रिसाइज और इजी टू होल्ड हैं। ये लीवर्स बिटवीन की बाकी बाइक्स की ही तरह सिर्फ दो उंगलियों से ऑपरेट हो सकते हैं। हैंडल बार, स्टैम और ग्रिप्स, रॉक राइडर ST 120 में 90 mm का एल्युमिनियम का स्टैम है। ये स्टैम 10 डिग्रीज पर डिजाइंड है जिससे राइडर्स को एक्सेसिबल और कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन मिलती है। फ्रेंड्स, इस बाइक का हैंडल बार है स्टील का जिसकी लेंथ है 640 mm। फ्रेंड्स, हालांकि 640 mm की लेंथ भी स्टेबिलिटी और कंट्रोलिंग के लिए अच्छी है, लेकिन अगर ये लेंथ 680 mm तक होती
तो माइन्यूट कंट्रोलिंग ज़्यादा अच्छी रहती, खासतौर पर टर्निंग के टाइम पे। हैंडल बार पर मिलते हैं सॉफ्ट टच लेमिलार डिजाइन के क्रिप्स टायर्स। फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST120 में मिलते हैं 27.5 इंचेस के टायर्स जो 2 इंचेस वाइड हैं। इन टायर्स पर ग्रिप प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। टायर्स के प्रोफाइल में साइड नॉब्स टर्निंग के टाइम पर अच्छी ग्रिप्स देंगे। ये टायर्स आते हैं 27.5 इंचेस डबल वॉल्ड रिम्स के साथ। इन रिम्स में मिलते हैं 28 स्पोक्स जो लाइट वेट, स्टिफ और ड्यूरेबल हैं। फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको अपनी राइड घर से स्टार्ट नहीं करनी और बाइक को ट्रांसपोर्ट करना है तो रॉक राइडर ST120 में मिलते हैं क्विक रिलीज लीवर। इन लीवर्स की हेल्प से टायर्स पर निकालना और लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयर वर्क में हेल्प मिलती है। सैडल और सीट पोस्ट। फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST120 में मिलते हैं अर्गो फिट सैडल विद हैमॉक शेप। फीमेल राइडर्स के लिए बिटवीन रिकमेंड करता है 500 वुमेन्स स्पोर्ट्स सैडल जो फीमेल राइडर्स के लिए सूटेबल है। सीट पोस्ट पर मिलता है क्विक रिलीज लीवर जिससे सीट की हाइट को 350 मिलीमीटर से लेकर 400 मिलीमीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्स। फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST120 अभी भारत में सिर्फ ब्लैक ब्लू कलर में ही लॉन्च हुई है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक आपको मिल जाएगी इन सभी कलर ऑप्शंस में। प्राइस। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। सो फ्रेंड्स, बिटवीन रॉक राइडर ST120 आपको मिल जाएगी 23,999 रुपये में ऑनलाइन या ऑफलाइन। कंपनी देती है लाइफ टाइम वारंटी फ्रेम और फोक पर और 2 साल की वारंटी नॉन वियरिंग पार्ट्स पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं दे देता हूँ आपको अपना वर्डिक्ट। सो फ्रेंड्स, बिटवीन की बाइक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। रॉक राइडर ST120 के स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन भी अच्छे हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग श्रैम गियर्स इन दिस बाइक जो ST520 में आपको मिल जाते हैं। ऑल्सो बिटवीन ने अभी सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन दिया है, अगर और भी कलर ऑप्शंस मिल जाते तो अच्छा रहता। फिर भी इस प्राइस रेंज में 1:9 स्पीड के गियर ऑप्शंस, ट्रैक्टर के ब्रेक्स, कंफर्ट फ्रेम ज्योमेट्री, टायर्स की ग्रिप प्रोफाइल, क्वालिटी राइड और लाइफ टाइम वारंटी के साथ ये न्यूली लॉन्च MTB एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। बाकी फ्रेंड्स, आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक है तो मुझे जरूर लिखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइकिलिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।